हेलो एवरीवन, दिस इज आशिमा एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो ये वीडियो है कि आने वाले दो तीन सेशंस जो मेरे हैं वो थोड़े से डिसरप्ट हो सकते हैं, थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं। एंड द रीजन फॉर दैट इज दैट आई रिसेंटली गॉट माई फर्स्ट वैक्सीन डोज। मुझे कोविशील्ड लगा था वैक्सीन डोज। सो सिंस आई हैड गॉट अ वैक्सीनेशन डन रिसेंटली, एंड वैक्सीनेशन में सभी को पता है कि फॉर द कमिंग 2 to 3 days आफ्टर वैक्सीनेशन, आने वाले 2-3 दिन तक थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है बिकॉज द इम्यूनिटी गोज डाउन एंड देन स्टार्ट्स रीबिल्डिंग अगेन। सो यू हैव टू बी हाइड्रेटेड एंड हैव गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, तो बहुत जरूरी होता है ध्यान रखना भी। एंड दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स, कि एक बार इम्यूनिटी लेके जाएगी एंड देन इट्स गोइंग टू स्टार्ट बिल्डिंग इट अगेन, right? So as per the process things might happen and I might have some health issues, dizziness or something, and इसी वजह से I'll be taking a rest for 2 to 3 days, दो से तीन दिन तक का I'll be taking a rest। So उसकी वजह से classes थोड़ी सी disrupted रहेंगी। Although I have seen the community poll, community पे जो poll किया था, जिन्होंने नहीं वोट किया है do that, तो class timing as per the recent one which I had seen 6 बजे का रहेगा। मोस्ट ऑफ यू अग्री ऑन 6, बट स्टिल जब तक क्लासेस स्केड्यूल होना शुरू होंगी तब तक अगर थोड़े चेंजेस होते हैं तो आई विल लेट यू नो द न्यू स्केड्यूल एज वेल, नो इश्यू ऑन दैट। एंड ऑल दोज हु हैव नॉट येट डन, जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया है, दोज हु हैव नॉट गॉट रजिस्टर्ड, कि व्हाट्सएप पे पढ़ा था कहीं पे कि इससे क्या बोलते हैं इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाता है, बनता ही नहीं है इम्यूनिटी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रूमर्स ऑन दैट, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम मी ऑन दैट बेसिस। तो डोंट बिलीव दोस प्लीज, डू योर रिसर्च बट अ ऑथेंटिक रिसर्च, क्योंकि एक रिसर्च जो आई है यूएसए की, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन करंट अफेयर सेशन ऑल्सो, दैट कोवैक्सिन इज लाइक द वन वैक्सीन विच इज वर्किंग अगेंस्ट अ लॉट ऑफ वेरियंट, अबाउट 600 वेरियंट और समथिंग। सो इट्स नॉट दैट कि इट्स नॉट वर्किंग, राइट, इट इज वर्किंग एंड यू नीड टू डू दैट बिकॉज दैट इज द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ। अभी वही एक सोल्यूशन है हम लोगों के पास, गेटिंग वैक्सीनेटेड एंड कीपिंग प्रिकॉशंस। सो वंस यू गेट वैक्सीनेटेड कीप योर प्रिकॉशंस, ऐसा नहीं है कि बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया कि अभी तो डोज में ले लिया हमने, नो इश्यू, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वंस यू गेट वैक्सीनेटेड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज उस टाइम पे इम्यूनिटी सबसे कम रहती है, राइट, आफ्टर द डोज इज टेकन, आफ्टर दैट इम्यूनिटी एकदम से ड्रॉप होती है, इट्स ऑन अ लोअर लेवल। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड, हैव गुड क्वालिटी फूड, हेल्दी फूड, एंड वेयर मास्क इफ पॉसिबल, राइट, इफ यू लिविंग विद अ फैमिली, अ बिग फैमिली, ट्राई टू वेयर मास्क एज वेल, बिकॉज इम्यूनिटी लेवल्स में जब इम्यूनिटी लो होती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, राइट। सो डू योर रिसर्च ऑन दैट बट ऑथेंटिक वन, व्हाट्सएप रूमर्स पे बिलीव नहीं करना, और वैक्सीनेशन कराना है, एंड डोंट बी चूजी कि मुझे ये वाला वैक्सीन चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। राइट नाउ विच एवर यू आर गेटिंग, टेक इट, वेदर इट्स कोविशील्ड और कोवैक्सिन, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन आर दीज बोथ, समटाइम्स समवेयर देर माइट बी स्पुटनिक 5 ऑल्सो, सो विच एवर इज अवेलेबल टेक दैट, बिकॉज दैट्स द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ, राइट। एंड वैक्सीनेशन के 2-3 दिन तक, अगर 2-3 दिन तक यू फील वेरी लो, यू डोंट फील द एनर्जी टू गेट अप, सो डोंट बी यू नो वेरी स्केयर्ड अबाउट इट, डरना नहीं है उसके बारे में, इट इज द नेचुरल प्रोसेस। सो टेक रेस्ट फॉर 2 to 3 days, आराम से रेस्ट करो बेड पे, हैव योर फूड, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे ऑन बेड। सो until unless you are feeling fever, continuous fever or some other issue, consult a doctor, otherwise take rest for 2 to 3 days and it's going to be better, and this I am telling you from experience। ye aisa nahi hai ki main hawa mein ya whatsapp rumors padh ke bol rahi hu, I have my family members already vaccinated and I have seen all of these things। so fever wala situation bhi hua hai kai कुछ के साथ नॉन फीवर में, हल्का सा डिजीनेस में, दे आर बेटर। सो आई हैव सीन बोथ द सिचुएशंस, एंड वट एवर दैट हैपन्स टू यू, ट्राई टू स्टे काम, राइट, बिकॉज पैनिक में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज व्हेन द ब्रेन इज वीक द बॉडी इज वीक, राइट। सो डोंट पैनिक, डोंट हेजिटेट, डोंट गो इनटू एंग्जाइटी सिचुएशन, एंग्जाइटी अटैक नहीं आना चाहिए, स्टे काम, स्टे कंपोज्ड, डू योर योगा एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस करते रहो, डू दोज, दे विल हेल्प यू अ लॉट, एंड इफ पॉसिबल योगा भी कर सकते हो, दैट्स गुड, दैट विल हेल्प यू कीप काम। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन वैसे ही चल रहा है, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ टेंशन, रिलीज दैट टेंशन, राइट। सो आई विल सी यू सून,
एज सून एज आई एम बैक विद द एनर्जी आई विल स्टार्ट टेकिंग द सेशंस. मैक्सिमम 3 दिन का गैप होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम. अदरवाइज आई विल ट्राई टू गेट बैक ऑन 1 या 2 डेज गैप. राइट, सो आई विल नोटिफाई दैट. एंड जिन्होंने अभी तक टाइमिंग वाले पोल पे पोल नहीं किया है, डू दैट, बिकॉज नेक्स्ट जो अभी क्लासेस शुरू होने वाली हैं SSC के लिए जो क्लासेस हैं, बैंकिंग RRB के लिए जो क्लासेस हैं रेलवे वाली, वो उसी टाइम पे कंडक्ट होंगी जिस टाइम पे अकॉर्डिंग टू पोल मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेवर दैट. सो डू दैट एक बार, हार्डली टेक्स अ सेकेंड टू डिसाइड द टाइम. सो डू दैट एंड आई विल बी सीइंग यू सून. अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू.